तो ऊंट की सवारी का आनंद ले रहे हैं बच्चे भी और बड़े भी, बच्चों से भी जानेंगे। बेटा कितना मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हाँ। खूब सारी मस्ती की। पहले कभी बैठे थे ऊंट पर? पहले नहीं बैठे थे। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। फर्स्ट टाइम बच्चे फर्स्ट टाइम बैठे, मैं भी इवन फर्स्ट टाइम बैठी हूँ, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत मस्ती हो रही है यमुनानगर के अंदर, इस फन फेयर के अंदर, इस झूले जहाँ पर लगे हैं, इस मेले के अंदर। तो आपने भी आनंद उठाना है तो आइए 19 मार्च तक ओपी जिंदल पार्क यमुनानगर। बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा। क्या हाल है भैया, इनाम दोगे इस बार? बिल्कुल पक्का, प्रॉमिस। अगर निकलेगा तो मैं 6 की 6 बॉल इकट्ठी डालूंगा, है ना? 6 की 6 बॉल इकट्ठी डालेंगे। मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कितना हो गया भैया? क्या है ये निकाला इधर से? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, अच्छा लेंगे लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि तुक्का बैठ गया और हमें वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीने के लिए मिल गई। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं यमुनानगर में। और यहां पर फन फेयर लगा है, मेला लगा है ओपी जिंदल पार्क में, और ये मेला 19 मार्च तक चलने वाला है। तो आप अपने दोस्तों के साथ हर दिन एंजॉय कर सकते हैं, आ सकते हैं। और मेले में जो इतना बढ़िया क्राउड आया है उनके साथ आप मस्ती कर सकते हैं। पूरा मेला हम आपको दिखाएंगे और मेले की शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले इस खूबसूरत लाल किले के गेट के साथ। ये एक सेल्फी पॉइंट बन चुका है और लोग यहाँ पर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। हालांकि लाल किले का आनंद लेने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके शहर यमुनानगर में भी लाल किले वाला जो गेट है वो आ गया है और हर कोई यहाँ पर सेल्फी खिंचवाता हुआ नजर आ रहा है, आनंद ले रहा है। और ये राउंड सर्कल जिसमें 360 डिग्री पे आप सेल्फी खिंचवा सकते हैं। मेले की हम आपको धूम दिखाएंगे। आप कोई शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो शॉपिंग भी कर सकते हैं मेले में। खाने की बहुत सारी स्टॉल है, लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सर बच्चों के साथ आए हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं? अभी जस्ट आए ही है, अभी तक करेंगे जो है। अच्छी बात है, मेला लगता रहना चाहिए, बच्चे भी लगता रहना चाहिए ताकि आउटिंग तो वही जाती है, कोई मिल जाता है। बहुत सारे और परिवार आए हैं, कितना अच्छा, बच्चों के साथ एंजॉय करने आए हैं। हाँ जी सर, ये तो है। खैर एक्चुअली क्या है ना कि ये बहुत ही अच्छा है कि यमुनानगर में इस जगह पे ये बनाया हुआ है, मतलब फैमिली के लिए देख रहे हैं ना, बहुत ही सेफ है और इतनी छोटी जगह पे इतने जल्दी उसमें बहुत अच्छा हो जाता है। पार्टी जी आए हैं एंजॉय करने, आए मस्ती करने आए हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आए हैं, आंटी जी भी आए हैं और मस्ती कर रहे हैं। शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ आ सकते हैं, कुछ अच्छा खाना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, और झूले झूलने हैं तो आप यमुनानगर में आ सकते हैं। ओपी जिंदल पार्क है जहां पर ये मेला लगा हुआ है और ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे ऊंट की सवारी कर रहे हैं। ऊंट की सवारी करने के लिए आपको राजस्थान जाने की जरूरत नहीं है, ऊंट की सवारी आपको यमुनानगर के इस मेले में भी देखने को मिल जाएगी। और बच्चे जो हैं वो इन छोटे छोटे झूलों का आनंद ले रहे हैं। हालांकि बड़ों को इन झूलों में बैठने की अनुमति नहीं है, उनके लिए बड़े वाले झूले हैं, छोटे बच्चों के लिए छोटे वाले झूले हैं। और आप देख सकते हैं बच्चे खुश हैं क्योंकि शनिवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, पापा मम्मी उन्हें घुमा रहे हैं तो बच्चे भी खुश हैं, उन्हें भी मजा आ रहा है। बच्चों को लेकर आए हैं, मजा बहुत मजा आ रहा है। हमने शुक्र किया यमुनानगर में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो बना। अच्छा है, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं? आप भी? यस यस यस, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं सर, बच्चों की वजह से पेरेंट्स भी एंजॉय करते हैं। तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इन झूलों का। और खाने के लिए बहुत सारी स्टॉल हैं तो इन स्टॉल का भी आप आनंद उठा सकते हैं। और उसके अलावा और बहुत सारे झूले हैं जिनका आनंद बच्चे भी उठा रहे हैं, बड़े भी उठा रहे हैं और बुजुर्ग भी उठा रहे हैं। एक के बाद एक कई झूले आपको करनाल में भी हम दिखाते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं यमुनानगर। और ये जैसे यमुनानगर बोला ये वाला झूला और ऊपर तक गया,
उसके बाद ये आप एक झूला देख सकते हैं जहां पर भीड़ लगी हुई है और बहुत सारे बच्चे एंजॉय करने वाले हैं। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है। ठंडे का लुत्फ उठा रहे हो, है ना? आए हो दोस्तों के साथ? हाँ जी, मजा आ रहा, पूरा मजा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं परिवार के साथ लोग पहुंच रहे हैं, बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और झूलों का जो है आनंद उठा रहे हैं। बहुत सारी गेम्स भी यहाँ पर हैं, खाने के लिए बहुत सारा सामान है और ये एक गेम है। ये गेम आप देख सकते हैं, एक बार भैया भर के दिखा दो, हम भी चला के दिखाएंगे। हमसे निशाना लगेगा या नहीं लगेगा वो हमें नहीं पता, डाल दिया ना इसके अंदर। अच्छा, माचिस गिराने पे इनाम है और माचिस ना गिरी तो खाली कुछ भी नहीं। तो क्या कोक पीनी है आज? तो खाली ऐसे गिरा दो माचिस भैया, ऐसे नहीं गिरानी तो इनाम मिलेगा फिर? फिर इनाम नहीं मिलेगा। तो ऐसे अगर माचिस गिरा देंगे तो इनाम नहीं मिलेगा, अगर माचिस गिरती है निशाने के साथ तो इनाम जरूर मिलेगा। बहुत सारे लोग आए हैं, मस्ती कर रहे हैं, बहुत सारे परिवार हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बेटा क्या हाल है? मजा आ रहा है? झूला झूला नहीं झूला? अभी नहीं झूला, झूलोगे? झूलोगे। बहुत सारे और बच्चे हैं। बेटा मजा आ रहा है? हाँ जी। है झूला झूला आपने? अभी नहीं झूला, मस्ती झूला है। बच्चों को अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है ऐसे मेले लगते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? फैमिली के साथ एंजॉय करने आए हैं? अच्छा है, मतलब टाइम स्पेंड हो रहा है फैमिली के साथ, एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को साथ लेकर आए हैं, मजा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और इसी दिन का इंतजार रहता है कि मेला लगे, फन फेयर लगे, बच्चे वहां पर आए, मस्ती करें, झूलों का आनंद उठाएं। और इस झूले पर तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ लगी है, मतलब ऊपर से देखेंगे नीचे और नीचे से देखेंगे ऊपर तो डर जरूर लगेगा लेकिन आनंद भी आएगा। और भीड़ बहुत ज्यादा है इस झूले पर, लोग इस झूले को झूलना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्त आए हैं मस्ती करने के लिए और यहाँ पर झूले झूलने के लिए, कुछ खाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे और लोग हैं, कपल हैं और मस्ती कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं झूलों का और सेल्फी भी खींच रहे हैं। साथ ही साथ मन में डर भी है और कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि इन झूलों से क्या होगा, लेकिन डर जरूर लगता है जब हम झूलों पर बैठते हैं, लेकिन मजा भी बहुत आता है। और भी बहुत सारी फैमिली है। बेटा झूले एंजॉय करने आए हो, डर क्यों रहे हो? मस्ती करने आए हो, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, एंजॉय हो रहे हैं? हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं फैमिलीज यहाँ पहुंची हैं, एंजॉय कर रही हैं, मस्ती कर रही हैं और यहाँ पर बहुत सारी गेम्स भी आपको नजर आ जाएंगी और खाने की बहुत सारी स्टॉल नजर आ जाएगी। बहुत बड़ा पार्क है ओपी जिंदल पार्क यमुनानगर के अंदर और वहां पर ये मस्ती बच्चों की तरफ से भूत बंगला जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड करता है बच्चों को, यंगस्टर्स को, हालांकि डर भी लगता है, लेकिन जो पोस्टर्स बाहर लगे हुए हैं वहां पर बच्चे और यंगस्टर्स फोटो क्लिक करवा रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं जो छोटे बच्चों के झूले हैं वहां पर किस तरीके की मस्ती हो रही है, वहां पर कितना एंजॉय बच्चे कर रहे हैं। ये देख सकते हैं मिकी माउस वाला झूला है, बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, शादियों में अक्सर ये झूला देखने को मिलता है और यहाँ पर भी बहुत सारी मस्ती हो रही है। ये देख सकते हैं स्विमिंग वाला झूला है और फैमिलीज के साथ बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को बहुत मजा आ रहा है और यही मजा हर कोई चाहता है। आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं यमुनानगर की, एक से बढ़िया एक झूले इस मेले के अंदर, इस फन फेयर के अंदर और ओपी जिंदल पार्क में ये मेला लगा है। अगर आपको शॉपिंग करनी है, अपने लिए कोई सामान खरीदना है तो यहाँ पर आकर आप सामान भी खरीद सकते हैं। एक से बढ़कर एक गेम्स यहाँ पर है। एक गेम हमने आपको दिखाई वो निशाना लगाने वाली, दूसरी गेम में भी आपको निशाना लगाना है। भैया एक निशाना मैं लगा लूं? बिल्कुल ट्राई करेंगे। ये तीर कमान है और तीर कमान के जरिए हमें निशाना लगाना है। कहां पर भैया, कहां मिलेगा? पॉइंट पे लगाने पे इनाम होगा।
अच्छा वहाँ पॉइंट पे लगेगा तो ही इनाम मिलेगा, तो ट्राई करके देखते हैं क्या पता लगी जाए। हालांकि हम इसमें परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंस है, कैमरा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यार। मतलब इनाम तो नहीं मिल पाएगा लेकिन मज़ा ज़रूर आ रहा है, मज़ा ज़रूर आ रहा है। अगर आपको ये मज़ा लेना है, आपको ये आनंद उठाना है तो आप आ सकते हैं यमुनानगर के अंदर, ओपी जिंदल पार्क है वहाँ पर ये मेला आपके लिए लगा है। 19 मार्च तक ये मेला चलने वाला है। घर के लिए आपको शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ आ सकते हैं, आपने किचन का कोई सामान खरीदना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ स्टॉल्स हैं और इन स्टॉल्स पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। कुछ सामान कई बार हम नहीं खरीद पाते मार्केट जाकर, लेकिन आप अगर इस मेले में आते हैं तो वहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। जो शॉपकीपर वाले भैया हैं उनसे एक बार जान लेते हैं क्या कुछ खास वो लेकर आए हैं यहाँ पर, क्या क्या सामान है भैया आपके पास यहाँ पर? कफ की सभी वैरायटी मिलेगी भाई जी, और आप वैसा अचार वाले हैं, दही वाले हैं, सभी सामान मिलेगा मतलब घर का आपको। क्रॉकरी आइटम्स हैं और एक से बढ़कर एक आइटम्स हैं, बहुत सारी वैरायटी है जो आप यहां से खरीद सकते हैं। शोपीस जो हम अपने बेडरूम में रखते हैं, जो हम अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं, अपनी लॉबी में रखते हैं, और बेहद ही बढ़िया कलाकारी के साथ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर इनके दाम भी कम मिलेंगे। आप बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर दाम भी आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दाम उतने मिलने नहीं वाले। एक बार फिर से वो ऊँट की सवारी, जो बच्चे आनंद उठा रहे हैं, उन्हें राजस्थान नहीं जाना पड़ रहा है इस ऊँट की सवारी के लिए, वो यहीं पर उसका आनंद उठा रहे हैं। और बहुत सारी स्टॉल्स यहाँ पर लगी हुई है आपके स्वास्थ्य से संबंधित और घर का। अगर क्या हाल है बेटा, कैसे हैं आप? नहीं, एंजॉय कर रहे हो, मजा कर रहे हो? आया झूला झूला आपने कोई अभी? झूला झूला मजा आया? तो आप देख सकते हैं बच्चे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, और भी बहुत सारी फैमिलीज यहां पर पहुंची हैं। भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी मस्ती, कितना आनंद, ऐसे फन फेयर मेले वगैरह लगते रहने चाहिए, बच्चों का भी टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। हर मंथ हमें मस्ती करने के लिए मिलनी चाहिए। ऐसे लेकर नहीं जाते कहीं? नहीं, हम खुद ही आ जाते हैं, हम ही लेकर आते हैं, उल्टा हम ही लेकर आते हैं। बहुत बच्चों मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। उधर देखो, हाँ जी बोलो, हाँ जी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है पूरा। बोलो, टाइम स्पेंड हो जाता है अच्छा? टाइम स्पेंड बहुत बढ़िया, छुट्टी वाले दिन एंजॉय करते हैं बच्चे, तो बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स बच्चों को समय दे रहे हैं और यही एक बच्चा अपने पेरेंट्स से चाहता है, और उन्हें खेलने के लिए खिलौने भी मिल रहे हैं, झूलने के लिए झूले मिल रहे हैं। टैटू बनवाना है आपने तो टैटू भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, टैटू भी बनवा सकते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पर आए हैं, लेकिन जो बोलना चाह रहा है हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है। ये जो दृश्य है ये बचपन में अक्सर देखकर हम बहुत एक्साइटेड होते थे, और लंबा वक्त हो गया था ऐसा मेला हमने नहीं देखा था। बहुत सारे मुखट्टे हैं और बहुत सारे और खिलौने हैं बच्चों के लिए इसके अलावा। क्या हाल है भैया, इनाम दोगे इस बार? बिल्कुल पक्का, प्रॉमिस। अगर निकलेगा तो मैं 6 की 6 बोल इकट्ठी डालूंगा, है ना? 6 की 6 बोल इकट्ठी डालेंगे, मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कितना हो गया भैया? क्या है ये निकाला इधर से? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अच्छा लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि तुक्का बैठ गया और हमें वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीने के लिए मिल गई, यानी कि एकदम 6 गोलियां हमने डाल दी और एंजॉय किया। एक और खेल है ये खेल, और इन्होंने हालांकि यहाँ पर रस्सी लगा दी है, वरना हम जब ये खेल खेलते थे तो चीटिंग कर देते थे। चीटिंग क्या करते थे, भैया उधर जाते थे, हम अंदर से जाकर रख आते थे और उसमें हम इनाम जीत लेते थे। भैया एक दिखाएंगे एक बार, तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी अगर हम ये रिंग डालते हैं और वो आ जाती है उसमें फिट तो इनाम मिलेगा। ट्राई करके देखते हैं अगर आती है तो। ये देखिए खाली हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, नहीं आएंगी इतनी। बहुत सारे लोग आते हैं, मजा आता है पूरा। हाँ जी सर, हाँ जी, इंडिया भाई साहब, ये 50 रुपए 10 मिलते हैं, जिस चीज में आता है वो चीज मिलती है आपको भाई साहब। तो लोग इनाम जीत कर जा रहे हैं, इनाम 50 का 100 का नोट सब जीत कर जा रहे हैं सर। अच्छा, कोई 100 का नोट जीत कर? हाँ जी सर। सबसे ज्यादा लोग क्या जीतते हैं? सबसे ज्यादा पैसे और साबुन जीतते हैं भाई साहब। हाँ, पैसे सबको चाहिए। एक बार हम भी ट्राई कर रहे हैं 50 के नोट पे ही आ जाए।
आधा आया नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया, अगली बार हम ट्राई करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, बच्चों के साथ आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे दिन की सबको उम्मीद होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे बेटा, मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? झूले झूले नहीं झूले झूले वो लिया आपने, कोई खिलौना वगैरह? खिलौना भी लिया, लगते रहने चाहिए ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा ये। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक झूले यहाँ पर हैं, खाने के लिए बहुत सारी स्टॉल्स यहाँ पर हैं, खेलने के लिए बहुत सारी गेम्स यहाँ पर हैं। और ये वाली गेम्स हमने पीछे खेली थी, हालांकि हम कुछ भी नहीं जीत पाए थे। तो एंजॉय कीजिए, मजा आ रहा है। लाल किले के गेट से लेकर यहाँ पर बहुत सारी, ये काला पान खाएगा दिल वाला, जैसे प्यारा उससे कम प्यारा पान आपके लिए। क्या है भैया, क्या है ये? स्मोक बिस्किट है। क्या होता है इसमें? स्मोक निकलता है, मीठा पान, चॉकलेट। ये देखो, ये देखो, इधर निकालो लच्छू, इधर दिखा दे लच्छू, इधर दिखा दो। एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पूरी पूरी मस्ती कर रहे हैं, पूरी मस्ती कर रहे हैं। क्या क्या है भैया आपके पास? मीठा पान, चॉकलेट पान, फायर पान, पढ़ा लिखा पान, भाई शायरी वगैरह आती है सब सुना दो। सुना दो यार, शर्मा क्यों रहे भैया जी? चिरागों को महफूज रखना, आगे रात ही रात होगी। चिरागों को महफूज रखना, आगे रात ही रात होगी। मुसाफिर आप भी हो और हम भी है, जिंदगी फिर मुलाकात होगी। क्या बात है, करनाल आइए, जरूर मुलाकात होगी। और ये देखिए, ढेर सारे पान की वैरायटी यहाँ पर है। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खाने की बहुत सारी स्टॉल्स हैं, खिलौने बहुत सारे हैं, झूले झूलने के लिए बहुत सारे हैं। ओपी जिंदल पार्क यमुनानगर के अंदर, ओपी जिंदल पार्क यमुनानगर के अंदर 19 मार्च, आए एंजॉय कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आइए और अपने दोस्तों के साथ आइए। और ये आप देख सकते हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं निशाना बाजी करके, और गुब्बार, जी जी वो देखिए, ये देखिए, बंदूक से कम वेट होगा इस बच्चे का, लेकिन मस्ती पूरी करनी है। बेटा चलाओ एक बार, चलाओ, ये देखिए गुब्बारा फूट रहा है, जो खिलौना लगा हुआ है उस पर निशाना नहीं लग रहा। और बच्चे ढेर सारी मस्ती यहाँ पर कर रहे हैं, आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नहीं ये नहीं, 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 नहीं। मजा आ रहा है बेटा, जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो आप देख सकते हैं बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, आपको भी एंजॉय करना है तो आप आ सकते हैं यमुनानगर में, ओपी जिंदल पार्क है, वहां पर आइए, परिवार के साथ मस्ती कीजिए, दोस्तों के साथ मस्ती कीजिए। 19 मार्च तक ये मेला इसी तरीके से बरकरार रहेगा। तो ओपी जिंदल पार्क में बढ़िया मेला लगा हुआ है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बड़े एंजॉय कर रहे हैं जिन्होंने मेला लगाया है। एक बार उनसे बात कर लेते हैं, भैया क्या कुछ खास लेकर आए हैं यमुनानगर के वासियों के लिए, और कब तक ये मेला इसी तरीके से चलता रहेगा? यमुनानगर वासियों के लिए सबसे इस बार खुशी की चीज है वो लाल किला, जो हम दिल्ली से यहीं पे बना दिया हमने, डिट्टो सेम वैसे का वैसा। आके इन्हें देखिए, बिल्कुल वही चित्र है जो लाल किले का ओरिजिनल चित्र है। और ये 19 मार्च तक चलेगा मेला, और यहाँ पे बच्चों के बड़ों के हर प्रकार के झूले हैं, खान पान है, बढ़िया ऊँट की सवारी है, बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ आइए, ऐसे मेले बार बार नहीं लगते हैं। तो कौन कौन से झूले इस बार आप लेकर आए हैं? इस बार सर हम एक तो नाव लाए हैं बहुत बड़ी, जो यमुनानगर में फर्स्ट टाइम लगी है, और एक अंडोला है सर जिसको ज्वाइंट व्हील भी बोलते हैं, हाँ जी, और ऊँट की सवारी है ये, हाँ जी। तो मजा आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हाँ जी लोग आ रहे हैं, आपके सामने है सर वीडियो, उधर को घुमाइए देखिए, हाँ जी। कब तक मेला लगने वाला है? और 19 मार्च तक लगेगा सर, 19 मार्च तक लगेगा, 19 मार्च तक मेला लगने वाला है ओपी जिंदल पार्क यमुनानगर में। बहुत सारे झूले हैं, खाने के लिए चीजें हैं, खरीदारी करने के लिए बहुत सारी स्टॉल्स हैं, तो आइए और मस्ती कीजिए। तो ऊंट की सवारी का आनंद ले रहे हैं बच्चे भी और बड़े भी, बच्चों से भी जानेंगे। बेटा कितना मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, खूब सारी मस्ती की। पहले कभी बैठे थे ऊंट पर? पहले नहीं बैठे थे। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। फर्स्ट टाइम बच्चे फर्स्ट टाइम बैठे, मैं भी इवन फर्स्ट टाइम बैठी हूँ, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत और ऐसे मेले लगते भी रहने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, टाइम इंजॉय हो जाता है, बच्चों का इंजॉय, हमारा इंजॉय, एग्जाम टाइम में बहुत बर्डन बहुत है, तो इंजॉय हो जाता है। मजा आया बेटा, मजा आया, पहली बार बैठे थे तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, और ऊंट की सवारी का
भरपूर आनंद उठा रहे हैं और हम भी प्रयास करेंगे कि अगर ऊंट की सवारी पर हम बैठ सके। भैया कहाँ से आए हैं, कितने ऊंट लेकर आए हैं? मुजफ्फरनगर से दो ऊंट लेकर आए हैं, तो बच्चे पूरा आनंद उठा रहे हैं। आनंद दे रहे हैं बच्चों को, आनंद दे रहे हैं, बहुत मजा आया। पहली बार बैठे थे आप या दूसरी बार? तीसरी बार। तीसरी बार, दो बार कहाँ बैठे हो आप? दो बार भी यहीं पे बैठे, यहीं पे बैठे हैं। लेकिन मजा आता है? हाँ, मजा आया बेटा? हाँ, मजा आया। बहुत सारे बच्चे हैं, खूब सारी मस्ती कर रहे हैं और यही मस्ती बचपन को याद दिलाती है, इसलिए जब भी वक्त मिले एंजॉय करते रहना चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं ऊंट की सवारी का आनंद उठाने और ये आनंद हम यमुनानगर में उठा रहे हैं जो मेला लगा हुआ है। आराम से बैठेंगे ताकि हम आराम से उस चक्कर का आनंद ले सकें और ये आप देख सकते हैं कि बच्चे भी इस जो ऊंट की सवारी का आनंद है वो ले रहे हैं और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस सवारी का आनंद लिया जाए। दूर दूर से बच्चे आए हैं तो हम भी करनाल से यमुनानगर आ गए और यमुनानगर आकर हम इस फन फेयर का, इस मेले का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। यमुनानगर में ओपी जिंदल पार्क है, ओपी जिंदल पार्क में ये मेला लगा हुआ है, 19 मार्च तक ये मेला लगा हुआ है। हमने भी मेलों में ही इस तरीके के जो ऊंट की सवारी है उसका आनंद उठाया है। हम कभी राजस्थान में जाकर हमने ऊंट की सवारी का आनंद नहीं उठाया, लेकिन बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हमारे अंदर भी अभी एक बचपना है और उसी बचपने का जो आनंद है, जो लुत्फ है, वो हम उठा रहे हैं। तो आप भी इन झूलों का आनंद उठा सकते हैं। कुछ खाना है तो आप यहाँ आ सकते हैं, आपने कुछ खरीदना है तो आप यहाँ आ सकते हैं और ऊंट की सवारी का आनंद उठाना है तो भी आप आ सकते हैं यमुनानगर में ओपी जिंदल पार्क। 19 मार्च तक ढेर सारे झूले यहाँ पर लगे हुए हैं, ढेर सारी पब्लिक आ रही है, आनंद उठा रही है और ऊंट की सवारी का जो आनंद है उसे नज़ारा दिखता है, उसे चारों तरफ का दृश्य दिखता है, चारों तरफ रोशनी दिखती है, लोग दिखते हैं और वो मस्ती दिखती है और उसी मस्ती का जो हम इंतज़ार करते हैं वो इंतज़ार यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत मस्ती हो रही है यमुनानगर के अंदर, इस फन फेयर के अंदर, इस झूले जहाँ पर लगे हैं इस मेले के अंदर। तो आपने भी आनंद उठाना है तो आइए 19 मार्च तक ओपी जिंदल पार्क यमुनानगर। बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। मैं आपके साथ हिमांशु नारंग।